कहाँ पर रहे मैंने कह रही है चलो सिकंदराबाद से हाथरस के पास आ गए। जो लड़ना चाहता है आके हाथ मिला ले अपना इसे और आते जिनके सामने सबसे बड़ी कुश्तियां होगी ये भी। ये रामा सिंह यादव हाथरस के हैं और अपना जोर समझ के आके हाथ मिलाइए जो पैरवा लड़ना चाहता है। झंडा कुश्ती हो रही है अभी नहीं हमारी मानी जाएगी अंदर लड़ो अंदर आमंत्रित करूंगा रघु राजा मंजिल उन्हीं को मिलती है मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। हम बहुत बड़े दिल से उन्होंने ये नहीं कहा कि दल में शामिल हो जाइए। उन्होंने कहा तुम्हारी बात है तुम समाजवादी हो बहुत बचपन से लगे हुए हो जाओ उनको आश्वासन दे दो कि उनके खिलाफ हुए मतदान का समाजवादी पार्टी नहीं लाएगी। ऐसे बड़े दिल के नेताजी और उन नेताजी के पचिन्नों पर अगर कोई चलने का काम कर रहा है तो माननीय से बात से क्या मित्रों बताने की जरूरत नहीं है कि जैसे नेताजी ने संघर्ष किया और प्रदेश की और देश की बागडोर संभाली तो माननीय शिवपाल सिंह यादव ने उनका कंधे से कंधे मिला कर साथ देने का था। लेकिन आज स्थिति प्रदेश की है कि किसान परेशान है पहलवान परेशान है गरीब परेशान है आगरा परेशान है मैनपुरी लोग परेशान पहलवान मैनपुरी पर पहुंचे खराब है रोज घटनाएं हो रही है और ये घटनाओं से इनके खिलाफ अगर कोई संघर्ष कर रहा है तो केवल पार्टी ये संघर्ष करने का काम पूरे प्रदेश में कर रही है। तो देख रहे हैं तो देख रहे हैं है। जो ये नहीं चाहते कि समाज तो बाद यूट्यूब पे दिखाया समाज समाजवाद को तोड़ने के लिए कई लोग लगे हुए हैं। आज नेताजी के जन्मदिन के मौके पर हम लोगों को एक संकल्प लेना है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से एक अनुरोध करेंगे कि सभी सर्कुलर पत्रों को एकजुट करके हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय महासचिव युवा जोश के नेता आदरणीय आदित्य यादव जी अरविंद मैनपुरी मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा गौरव गौरैया मोहित करके गौरव पहलवान गौरैया से मोहित पहलवान का दोनों पहलवान देख रहा है तैयार है आशा भरी नजरों से आपको देख रहा है। और 2022 में ये मानिए निश्चित तौर पर चाहे काल करो चाहे दो हर जगह से एक ही आवाज आ रही है कि 2022 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। जब लोगों ने संकल्प ले लिया है तो सभी सर्कुलर फोर्सेस को हमारा जोर है कानपुर देहात की तरफ से कि आप नेतृत्व संभाले सब लोगों को इकट्ठा करें ताकि देश और प्रदेश चमन पहलवान दारा सिंह सोनू सिंह सरकारी सेवरी अध्यापक दीपक कानपुर दोनों पहलवान तैयार है। ज्यादा लंबी चौड़ी बात न करके सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ वंदन करता हूँ इन शब्दों के साथ बैच नंबर एक पर अरविंद मैनपुरी अरविंद मैनपुरी और बलदेव जी ने आइए हो चुकी है तीस पर्वत सी अब निकलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगनामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं सिर्फ हंगनामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए
दर्द मेरे सीने में न सही, दर्द तेरे सीने में सही, वो कही दिया। आज जल्दी चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी आए हुए व्यक्तियों का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, वर्णन करते हुए। जय शिवपाल, जय आदित्य यादव, जय शिवपाल, जय। रैक नंबर दो पर संबोधन की और राफेल श्रृंखला में शहीद कॉलोनी आगरा के बीच बहुत ही शानदार कुश्ती चल रही है। मल्लिका यादव प्रदेश सचिव वाय और अपने चार से हम सभी को अवगत कराए। मल्लिका यादव सत्यवाल दारास्ती एसएस मेमोरियल दीपक कानपुर नंबर। इस कुश्ती में दो मिनट शेष है। महान नेता, मैं ज्यादा से कुछ नहीं कहूंगी, पर आज मैं कहना चाहूंगी कि माननीय मुलायम सिंह जी जो नेता जी हैं, जो उन्होंने सिर्फ यादव को ही इस हिंदुस्तान में स्थान दिलाया है, यादव की पहचान बताएंगे, इसलिए मैं उनकी दीर्घायु के लिए और स्वास्थ्य के लिए कामना करती हूँ और चाहूंगी। इस कुश्ती में दो मिनट का समय दिया है। मेरा मोर्चा यहाँ मंच पर स्थित है और चाहूंगी कि सब लोग मिलकर आज बहुत ही प्रसन्नता। मेरा तो मोबाइल ड्रॉप हो गया है? आज चल रहे हैं ये सब चीजें स्टेडियम में दिखाई दे रही है। और रंग लगे वो चाहिए थी ऐसे वीर पुरुष, महान पुरुष के देख के आशीष जन्म देने पर बड़े खुशी के साथ, हृदय की गहराइयों के साथ, इनको नाम का है इनको नाम का है नाम नहीं है तुम उनकी वीरता और स्वस्थ रहने की कामना करता हूँ। साथियों, माननीय नेता जी मुलायम सिंह जी कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो एक उनके अंदर नेचुरली शक्ति और गुण है आदमी, और धरती धरती पुत्र के नाम से हमेशा वो पुकारे जाते रहे, वो पुकारे जाते रहेंगे। इस धरती पर जबकि झोपड़ी गरीब किसान पिछड़े लोग सेवा में फंसे हुए हैं, गोविंद सिंह वर्तना और हमेशा रखने वाले व्यक्ति, इसीलिए उनको धरती पुत्र कहा गया। वो जमीन से जुड़े, गांव से जुड़े, गलियों से जुड़ी उन नेता। साथियों, इन पहलवानों उनके अंदर एक विशेषता आज भी है कि जो कहते थे वो करते थे, उनकी करनी और कथनी में कभी कोई अंतर नहीं आया न आएगा। साथियों, में थोड़ा सा उदाहरण देंगे। रामचंद्र मानस ने भगवान राम ने रावण से ये कहा था कि तुम पाए के पात के पायबंद नहीं हो, और तुम जो बात करते हो उसका तुम पालन नहीं करते हो। इस संसार में तीन प्रकृति, तीन प्रकार के लोग हैं। तीन प्रकार के लोग थे पहले भी, इतिहास उठा के देखा जाए, और आज भी तीन प्रकार के लोग हैं। हाँ, कहाँ है ऐसे लोग जो करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। नंबर एक पर दंगल देखे आगे तो मजा आ रहा है। जो कहते हैं वो करते हैं। बाय बाय। और भी और फल भी है। ये मेरी नेताजी की बात थी कि कहते थे करते थे, परिणाम भी साथ में होता था। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं और करते नहीं है, जैसे गुलाब का पेड़ जिस पर फूल आता कभी उस पर फल नहीं आता। कहते नहीं कतई कुछ भी, और वो करते हैं जैसे बराबर बराबर। आपने देखा होगा कभी फूल नहीं आता कटहल के वृक्ष पर। अरे मेहमान है नंबर एक पर पहुंचे। हम सभी को बैठ नंबर दो में सीनियर वर्ग पे बहुत सीनियर मेहमान मोहन सैफई से, नंदीग्राम सीनियर मेहमान मोहन सैफई से, देश के पूर्व से दोनों मेहमान बैठ नंबर दो पर मंत्री और हम सब के नेता
आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर प्रगट मोहन पहलवान मुख्य अतिथि के रूप में पधार रहे हैं पूर्व राज्य मंत्री आदरणीय रामसेवक यादव जी, पार्टी के प्रमुख महासचिव आदरणीय आदित्य यादव जी, पूर्व सांसद आदरणीय रघुवर सिंह साक्षी, पूर्व विधायक सुखदेव जी वर्मा जी, आदरणीय महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्चना राठौर जी, आदरणीय रामकुमार यादव जी, आदरणीय शंकुदास सौरे जी, पार्टी के महासचिव कुशमारी गुप्ता जी, युवजन सभा के हेड नंबर एक पर तमाम नेताजी को चाहने वाले आसपास क्षेत्र के सारे लोग मौजूद हैं, सभी को प्रणाम और नमन करता हूँ। नेताजी के कद को कभी शब्दों में नहीं माना जा सकता, लेकिन एक संस्मरण है। आज कोई भाषण का दिन नहीं है, लेकिन जो लोगों के लिए काम किए, एक वाक्य मेरे सामने है। जब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे योगदान सभा का जिला सेवा सैफई 2006 की घटना है, सेवा सैफई अब तक का जाना वहां हुआ, नेताजी नीचे बनकर आए हमारे गांव से।